अबे इतने दिनों के बाद आपको मैं कोशिश कर रहा था मिलने का। वालेकुम सलाम, आप कैसे सर? पहचाना नहीं मैंने आपको सर, आप तो भूल ही गए थे जल्दी। मैंने तो इतने अरसों बाद आपको ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं गए थे। मैंने बोला आप अच्छा, कोई हो जो बेरोजगार थे जो दुबई मैंने भिजवाया था। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कैसे हो? बैठो। हाँ बैठे सर। कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? सर हमारा तो बहुत माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आपने आसमान पे मेरे को पहुँचा दिया। अच्छा, मेरी सैलरी, आपने मेरी तनख्वाह ना, आपने आपको मेरा बताना मुनासिब नहीं समझा मैंने आपको। कमाल है यार। ये देखो हम तो मतलब है ना एक काम करते हैं यार अल्लाह की रजा के लिए ना, लोगों की वेलफेयर करना, सारा कुछ करना, ये हम करते हैं सारा कुछ, ताकि लोग बेचारे जाएं रोजगार के साथ लग जाएं। हम तो किससे कोई एक रुपया भी नहीं लेते, ठीक है ना? हाँ, तो हम लोगों को भिजवाते हैं बाहर। तो चलो अच्छी बात है, आप बाहर लग गए। मुबारकबाद देने के लिए मैं आपको इतने अच्छे तक ढूंढ रहा था सर। क्या बात है, क्या बात है। देखो हम यहीं बैठते हैं आकर, ठीक है ना, हम यहाँ पे बैठते हैं यार। देखो हमारा प्रॉपर कोई ऑफिस है नहीं, तो हम फीसबिलिटी काम करते हैं भाई। ऑफिस किस चीज का, जो मिल गया रास्ते में मिल गया उसका काम कर देते हैं हम। आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला। घर पे भी आए, फैमिली को? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, चक्कर लगाएंगे, कभी चक्कर लगाएंगे। सलाम भाई, क्या हाल है? सलाम, ये आपके साथ है? नहीं नहीं, मैं भाई के साथ नहीं हूँ, मैं थोड़ा परेशान था। तो आपकी सुन रहा था कि माशाल्लाह आप लोग बाहर काम करते हैं दुबई का, तो मैं थोड़ा परेशान था। क्या हुआ है बेटा, क्या करते हो आप? मैं सर बेरोजगार हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा। ट्रेनिंग वगैरह आती है आपको? सर थोड़ी बहुत आती है। आती है? हाँ आती है। नहीं जी सर, बस अभी हालात अच्छा था, बेरोजगार था जी सर, इसको मैंने भिजवाया जी जी। माशाल्लाह लाख डेढ़ लाख सैलरी ले रहा है दुबई में। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, लाख डेढ़ लाख बेटा, ऐसी बात है सर की बड़ी मेहरबानी है सर, ठीक है ना। मैंने भिजवाया, हम देखो हम एक रुपया भी नहीं लेते। अच्छा सर, हमारी टोटल होती है तकरीबन 5,000 रुपया फीस होती है, ठीक है सर। वो भी हम क्या करते हैं कि गरीब बच्चे जो यतीम बच्चे होते हैं ना जी सर, उनको दे देते हैं बच्चे हम। अच्छा तो उसके बाद हम दुबई भिजवा देंगे। बस जैसे पासवर्ड तो बना होगा आपका, सब चीजें बनी रेडी है, मगर दो दिन के अंदर अंदर दुबई भिजवा देंगे आपको। सर ये तो बस आपकी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, दो दिन के अंदर भिजवा देंगे। हम बड़े इधर परेशान हो गए, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, सारा दिन वेले। अभी 5,000 है आपके पास? जी सर है, बिल्कुल है। अभी आप दे दें, आप अभी 5,000 रुपया दे दें जी सर, और देना कल पासपोर्ट वगैरह ले आए आप मेरे पास, दो दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। दो दिन में सर? दो दिन के अंदर वीजा। अच्छा दो दिन के अंदर मैंने जो है, दो दिन के इस बच्चे को भिजवाया मैंने जी जी सर, ठीक है ना जी सर, दो दिन के अंदर ही मैंने भिजवा दिया सर। ये बस मेहरबानी, बस ये हमारी फीस नहीं है। नहीं नहीं सर, ये हमारी ये समझो फीस अल्लाह बच्चों में बांट देते हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक है जी, कल आप ले आना इसी जगह पे, मैं यहीं होता हूँ। आप यहीं होते हैं सर? हाँ, मैं यहाँ जैसे चल रहा था तो आप दोनों को देखा। नहीं, माशाल्लाह ये हमारा काम है ये। सर अस्सलामुअलैकुम। सर मैं ये पासपोर्ट लेके आया हूँ, इसीलिए आपने बोला था ना कल का, तो मैं पासपोर्ट लेके आया हूँ। पासपोर्ट लेकर आ गए? जी जी सर, आ गए। एक्सपायर तो नहीं है? नहीं नहीं, एक्सपायर नहीं है बिल्कुल, मेरा 10 साल का एक्सपायर। जी जी सर, सारा बस इंशाल्लाह दो दिन के अंदर जो है ना जी जी सर वीजा आ जाएगा आपका। ठीक है सर, तो आपको दुबई जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैंने बात कर ली है। ठीक है सर, 1.5 लाख रुपया सैलरी है वहाँ। 1.5 लाख? 1.5 लाख सैलरी है। अच्छा, ठीक है ना, वहाँ में तुमने जाना है। ठीक है सर, दुबई में जी, ठीक है, ठीक है सर। वहाँ नंबर हर चीज फोन कर दूंगा, बात हो गई है मेरी? ठीक है सर, बात हो गई, टेंशन की जरूरत सही है सर, रहायश खाना वगैरह हर चीज ओके। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दो दिन के अंदर मैं नंबर नंबर लिख लो मेरा। सर नंबर बताएं अपना, मुझे तो नंबर लिख कर दे दूंगा तुम्हें। नंबर लिखे सर, ये मेरा नंबर है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तुम दो दिन के बाद मुझे नंबर कॉल करना। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह जो है ना वीजा मुझसे आकर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, ये बंदा कहाँ चला गया? ये तो यहाँ पे बैठा हुआ था, नंबर मिला देता, कॉल कर लेता इसको। नंबर ही बंद आ रहा है इसका, ट्राई कर लेता हूँ। यार तो नंबर ही बन जा रहा है, ये तो यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने मुझे बोला तो भाई भेजूंगा,
ये समझ नहीं आ रहा बंदा कहाँ चला गया, समझ नहीं आ रहा कहीं पे। तो अबे ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे सब चीज ले गया, पैसे पासपोर्ट सब चीजें लेके चला गया, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया। ये तो मुझे यहाँ पे बोला था मैं दुबई भेजता हूँ, अभी पता नहीं साथ हो गया बंदा कहाँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने पैसे उठा लिए थे, सारी चीजें मेरी बर्बाद हो गया। मैं तो देखो ये जो ऐसे है ना वीडियो, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कोई भी बैठा हो तो ऐसे दुबई नहीं भेजा जाता, ठीक है ना। पैसे भी कमाओगे, डॉक्यूमेंट भी चले गए, ठीक है। तो काइंडली जो है ना अपना इस तरह कोई भी बंदा आपको मिल जाए और आप बोलो जी दुबई भिजवा रहा हूँ, ये भिजवा रहा हूँ, तो काइंडली एहतियात कीजिए, पैसे मत खराब कीजिए, ठीक है ना। कोई ऑफिस हो वहाँ पर जाए, ठीक है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।